नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना का आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, कैसे आप इस योजना का लाभ लेकर के आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत किए थे और इस योजना का लाभ लेकर के बहुत लोग अभी तक जो है इसका फायदा उठा रहे हैं और अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, पूरा कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप जानना चाहते हैं इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकता है। देश के वो हर नागरिक जो कि विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड काम काज करता है, जैसे कि एक राजमिस्त्री हो गया, उसके बाद फिर जैसे लकड़ी का काम करने वाला हो गया, जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं, वो का जूता चप्पल जो भी बना रहे हैं, इसी से संबंधित और भी जितने भी काम काज होता है वो सभी काम काज करने वाले इस योजना का लाभ ले सकता है। और इस योजना में लाभ लेने के लिए आपके पास में जो ज़रूरी का दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और यदि इतना सारा कुछ है तो आप अपने नज़दीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र होता है, सीएससी सेंटर, वहाँ पे जाकर के आपको अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और राशन कार्ड लेकर के आपको जाना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर यदि आप गाँव से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, आपको अपने मुखिया से संपर्क करना, वो आपके आवेदन को वेरीफाई करेंगे, तब आपका आवेदन आगे प्रोसेस होता है, डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से कॉल किया जाएगा कि आप कहाँ से कौन सा काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, सारा चीज़ यदि आपका मैच करता है जो आप आवेदन करने के समय में दिए थे वो, और जो आप फ़ोन पर बात कीजिएगा, दोनों चीज़ मैच करता है तो आपका आवेदन जो एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आपको आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिर कंप्यूटर में कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के पोर्टल पे जाकर के, और आपको बाय पोस्ट भी ये सारा चीज़ मिलेगा। उसके बाद फिर 10 से 15 दिनों का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद फिर आपको 15,000 रुपये का टूल किट दिया जाता है, जो कि जो भी आप काम काज के लिए अप्लाई किए हैं उससे संबंधित आप टूल किट खरीद सकते हैं। उसके अलावा 1,00,000 रुपये दिया जाता है, जो कि 1.5 साल का होता है, जो कि 5% इंटरेस्ट पर आपको दिया जाता है, यानी कि 100 रुपये का 1 साल में 5 रुपये हुआ। उसके बाद जैसे आप 1.5 साल में 1,00,000 रुपये चुकता कर दीजिएगा, फिर आपको 2,00,000 रुपये दिया जाएगा और आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये हो गया ग्रामीण एरिया के लिए। यदि आप नगर निगम से आते हैं तो भी आपको सेम प्रोसेस होता है, आपको अपने ज़िले से फ़ोन आएगा और आपका वेरिफिकेशन होगा, यदि आपका सब कुछ सही रहता है तो आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। विश्वकर्मा योजना में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैमिली मेम्बर के, आप अपनी जान पहचान वाले किसी का भी इस योजना में लाभ दिलवाना चाहते हैं तो आप खुद से नहीं कर सकते, जिसके पास में सीएससी आईडी है वही पीएम विश्वकर्मा योजना का अप्लाई कर सकता है। तो आपको आपकी नज़दीक में जो सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र होगा, वहाँ पर जाकर के आपको पता करना और वहाँ पर आपको अपना आवेदन करवा लेना है। आप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे पहला लिंक देख रहे हैं, इस लिंक के ऊपर मैं आप सभी को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको देख रहे हैं, यदि आप सारा डिटेल्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने में एक ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा ट्रांसलेट का, तो सीधा आपको ट्रांसलेट के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा सब आप हिंदी में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साइड में आना है, यहाँ पे पूरा इस योजना से संबंधित सारा जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें जाने पूछे जाने वाले प्रश्न, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका पूरा जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी को आंसर पहले से दिया हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पे आपको इसका डिटेल्स दिखाई देगा। योजना का लक्षित लाभार्थी कौन है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप सभी को दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पे सारा डिटेल्स आप सभी को देखने को मिल रहा है। आवेदक लाभार्थी लॉगिन, यदि एक आम नागरिक है तो आप सभी को लाभार्थी लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है, लेकिन यदि आप इसमें खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो खुद से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको सीएससी के थ्रू से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए तब जाकर के आप इसमें लॉगिन करके अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन का क्या स्थिति है, क्या कहां तक आपका आवेदन पहुंचा है, सब कुछ आप इसी जगह से ट्रैक कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के सपोर्टेड टीम से बात करना चाहते हैं, विश्वकर्मा के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा, सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये पेज फिर से रिडायरेक्ट कर
आपको दिखाई दे रहा है हेल्पलाइन, हेल्पलाइन के ऊपर में क्लिक करके आप यहाँ से हेल्पलाइन निकाल सकते हैं। यदि आप स्टेट वाइज अगर हेल्पलाइन नंबर ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टेट के ऊपर में क्लिक करके यहाँ से भी आप स्टेट वाइज हेल्पलाइन नंबर खोज सकते हैं। जिस भी स्टेट से आते हैं उसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे नीचे में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आप बात करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्या प्रोसेस होता है। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में जो भी आपको बताया, यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान।